दर्शकों, मैं सिद्दीकी अलमास इंडियाग्राउंड रिपोर्ट से हाजिर हूं आपके सामने खबरों के साथ। आइए रुख करते हैं खबरों के। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और राज्य में रह रही उनकी सरकार के दौरान किए गए कामों पर निशाना साधा है। नवाब मलिक ने कहा कि एनसीबी अधिकारी समीर वानखड़े को बचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी नेता पर ही आरोपों की छड़ी लगा दी और यहां तक के कहा कि फडणवीस जाली नोटों के धंधे को बढ़ावा दे रहे हैं और उनके इशारे पर मुंबई में उगाही हो रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि दाऊद के करीबी रियाज भाटी को देवेंद्र फडणवीस का संरक्षण हासिल था। फडणवीस की ओर से मुंबई धमाकों के आरोपों से जमीन खरीदने के आरोप पर नवाब मलिक ने कहा कि उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जमीन खरीदी। नवाब मलिक ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए देवेंद्र फडणवीस ने सारे अपराधियों को सरकारी पदों पर बैठाया। मलिक ने कहा कि हम प्रधानमंत्री पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन रियाज भाटी उनके कार्यक्रम में कैसे पहुंच गए। बता दें कि रियाज भाटी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का करीबी है और उसके पास से डबल पासपोर्ट भी मिला था। मलिक ने पूछा कि डबल पासपोर्ट मिलने के बावजूद रियाज भाटी को दो दिन में कैसे छोड़ दिया गया। उन्होंने ये भी पूछा कि रियाज भाटी फरार है, मुन्ना यादव पर मुकदमा है, तो ये फडणवीस के साथ कैसे दिखते थे। उन्होंने ये भी कहा कि जाली नोटों का नेक्सस पाकिस्तान से लिंक है। पूरी तरह से आपने राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन किया। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रियाज भाटी कौन है? उनतीस अक्टूबर को सहार एयरपोर्ट पे जाली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया, जिसके ऊपर दाऊद इब्राहिम सारे गैंग के लोगों के साथ संबंध की सारी खबरें अखबारों में थी। पूरा शहर जानता था कि रियाज भाटी कौन है। डबल पासपोर्ट के साथ कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाए और दो दिन में छूट जाता है, इसके पीछे क्या खेल था? रियाज भाटी लगातार आपके साथ सभी कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? रियाज भाटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? आपके डिनर टेबल पे क्यों नजर आता था? हम देश के प्रधानमंत्री पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अगर कोई जाता है तो उसके लिए पूरी तरह से स्कैनिंग किए बिना किसी भी व्यक्ति को पास नहीं इश्यू होता। प्रधानमंत्री शहर में आए और रियाज भाटी ने उनके साथ भी तस्वीरें खिंचवाई। क्या ऐसा कारण था बिना स्कूटनी के रियाज भाटी प्रधानमंत्री तक पहुंच गया? देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने सारे क्रिमिनल लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया, जाली नोट का नेक्सस आपने चलवाया, आपने रियाज भाटी के जरिए पूरी उगाही का काम किया, आपने थाना में कमिश्नर बैठा के कंप्लेंट पूरे महाराष्ट्र की करा के उगाही का धंधा करवाया और विदेश से खुखाए गुंडे फोन करके सेटलमेंट पुलिस वाले करते थे और ये सारा खेल आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा था। इसी तरह की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IGR।